तो फिर एलईडी जलने का संभावना ज़्यादा रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लाइट हम कौन सा लगवाएं। एक होता है एलईडी और एक होता है हैलोजन। एलईडी में दो प्रकार की, एक होता है येलो फोक को काटने वाला, एक होता है वाइट स्मूथ प्रॉपर लाइट देने वाला। ये दोनों प्रोसेस कहाँ कहाँ काम करता है इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि जब कोहरा होता है ठंडी के समय, उस समय जो लाइट की आवश्यकता पड़ती है येलो लाइट की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय वो लाइट का प्रकाश जाता है तो कोहरा को फाड़ देता है, हमें प्रॉपर क्लीन नज़र से दिख पाने के लिए सबसे बढ़िया वो व्यू मिलता है। और वाइट क्या होता है, फोक को काट नहीं पाता, रास्ता में अच्छे से विजुअल नहीं होता और अच्छे से देख नहीं पाते। तो हमें कौन सी लाइट लगवाना चाहिए, वो जो बाइक के साथ इंस्टॉल होके आती है वे वाली लाइट, एलईडी नहीं आती। एक्टिवा वगैरह में एलईडी आती है, उसमें एक फोक होता है और एक जो है वाइट लाइट, और कभी कभी उसमें एक ही होता है सिर्फ वाइट और नीचे और ऊपर वाली लाइट अप डाउन। तो आपको क्या करना चाहिए, हैलोजन लगवाना चाहिए जो बाइक के साथ इंस्टॉल होके आती है, या वो हमें लगवाना चाहिए कि जो हमें प्रॉपर लाइट मिले इस ठंड के समय, और एलईडी वाइट और येलो। तो ये सीधा सा है कि हम अगर कहें येलो लाइट और वाइट एलईडी आप लगवा सकते हो, ये भी गलत होगा। या हम कहें हैलोजन निकाल के आप एलईडी लगा लो, या हैलोजन ख़राब है, या हैलोजन प्रॉपर लगाओ, ये भी गलत है। आपके अकॉर्डिंग के समय आप विजुअल, जिससे आप दोनों लाइट लगवा सकते हो। जैसा कि एलईडी में दो प्रकार की लाइट येलो और वाइट, वो भी लगवा सकते हो, जिससे में कोहरा जब पड़ेगा फोक जब भी होगा उसको काट देगा येलो लाइट, और जो विजुअल अच्छे से में दिखाई देगा वो वाइट है। ये दोनों लाइट आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको प्रॉपर चलाना है, आपको प्रॉपर चलाना, तो एक लाइट आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा हैलोजन, वो इंस्टॉल कर लेना। लेकिन इसमें दो ही कंडीशन है, जो हैलोजन लगता है वे डीसी सारे सप्लाई ऑप्शन चलता है, जैसे अल्फा वेट डीसी होते हैं 35 से लेके 50-60 वोल्ट दे देते हैं अल्फा वेट, और जो हमें प्रॉपर चाहिए एलईडी के लिए वे है 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अगर हम लगाते हैं तो उस पर एक कंडीशन होता है, हमें बैटरी से इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा एक स्विच के द्वारा। अगर आप स्विच नहीं लगाते हैं तो कनेक्शन हम वहीं से जहाँ से लाइट ऑफ ऑन करते हैं वहीं से हम करा पाएंगे, जिससे लाइट डायरेक्ट हो जाएगी, और स्विच लगाएंगे लाइट बंद कर देंगे, जब भी हमें आवश्यकता होगी तब हम जला पाएंगे। आज के अकॉर्डिंग के समय आप स्विच ना लगा के डायरेक्ट उसको लगाएं, जिससे बैटरी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, हमारा सारा काम चलेगा और अपने अकॉर्डिंग हम लोग सही से वर्क कर पाएंगे। अगर आपको ऑफ लाइट करवाना है तो आप स्विच लगा लेना, नहीं तो उसको बैटरी से ना डीसी वोल्टेज में चाहिए 12 वोल्ट उसको ऑफ ऑपरेट करने के लिए। एलईडी हैलोजन के लिए कोई दिक्कत नहीं, हैलोजन वहाँ से हमें जब करंट मिलता है बाइक से रेगुलेटर से, वे अल्फा वेट करंट होता है, जिससे हमारा मैनेज करके वोल्ट देता है समथिंग 35 से 30 से लेके 25 से लेके 30-40 वोल्ट तक 50 वोल्ट तक। वे अगर आप इसमें लगाएंगे एलईडी में तो वे एलईडी जलने का संभावना ज़्यादा रहता है। और ये जो एलईडी है ये हमारे आँखों के ऊपर डिफेंड तो डालती है, क्योंकि जब इसका लाइट ज़्यादा प्रकाश होता है और हमारे आँखों के ऊपर डाल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप कनेक्शन करवाएं वे 12 वोल्ट से कनेक्शन करवाएं, उसके बाद आप उसको निकाल के जब भी गर्मी और बरसात के समय लगा सकते हैं, आप लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। लेकिन मेरा जो कन्फर्म रीज़न रहेगा वे रहेगा कि अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं अपने समझ के। मेरा जो रिकमेंड है वे सिर्फ अपने ठंड में लगाएं, और जहां ज़्यादा कोहरा पड़ता वहीं लगा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा, सब्सक्राइब लाइक मिलते दोस्तों, नमस्कार।